सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। करोड़ों में बिके और कौड़ियों का किए प्रदर्शन, ये है IPL 2020 की पैसा बर्बाद प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नंबर एक, ग्लेन मैक्सवेल 10.5 करोड़ और करुण नायर 5.6 करोड़। पैसा बर्बाद प्लेइंग 11 में किंग्स 11 पंजाब के दो खिलाड़ियों को बतौर ओपनर चुना गया था। मैक्सवेल पर टीम ने 10.5 करोड़ किए थे, लेकिन उन्होंने 13 मैचों में 101.88 की खराब स्ट्राइक और 15.42 की औसत से सिर्फ 108 रन बनाए। उनके साथी खिलाड़ी 5.6 करोड़ के करुण नायर, उन्होंने सीजन के 4 मैचों में सिर्फ 16 रन बनाए। नंबर दो, स्टीव स्मिथ 12.5 करोड़, सिमरन हेटमायर 7.75 करोड़ और केदार जाधव 7.8 करोड़। इस टीम में नंबर तीन पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ है। इस खिलाड़ी ने सीजन में खेले 14 मैचों में 25.91 की औसत से सिर्फ 311 रन बनाए। जबकि नंबर चार पर 7.75 करोड़ के दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले सिमरन हेटमायर है। उन्होंने सीजन में बेहद निराश किया और 12 मैचों में सिर्फ 185 रन ही बनाए। नंबर पाँच, सीजन के सबसे बड़े फ्लॉप केदार जाधव है। 7.8 करोड़ के इस अनुभवी खिलाड़ी ने सीजन में खेले 8 मैचों में 20.66 की औसत और 93.93 की बेहद खराब स्ट्राइक रेट से सिर्फ 62 रन बनाए। नंबर तीन, MS धोनी 15 करोड़ और आंद्रे रसेल 8.5 करोड़। IPL इतिहास में यह पहला मौका है जब चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ का सफर तय नहीं किया है, जिसका प्रमुख कारण MS धोनी का खराब प्रदर्शन है। धोनी ने सीजन में खेले 14 मैचों में 116.27 की स्ट्राइक रेट और 25 की औसत से सिर्फ 200 रन बनाए। टीम में ऑलराउंडर के लिए आंद्रे रसेल है, जिन्हें 8.5 करोड़ की फीस मिली थी, लेकिन सीजन में उनका प्रदर्शन बेहद फीका रहा था। इस स्टार खिलाड़ी ने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी IPL टीम को निराश किया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।